नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज, मतलब मार्च के फोर्थ वीक का, जिसमें कि जो जो भी एडवर्टाइजमेंट है, जो भी रिक्रूटमेंट है, सबका डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो जितना भी इस वीक का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, सारा को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्या उसका लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट के लिए है, और इस तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हम लोगों का, मार्च का फोर्थ वीक का। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक वो है हमारा एडिटोरियल है, वार अगेंस्ट प्लास्टिक पेरिल, प्लास्टिक जो कि काफ़ी बड़ी समस्या है। और जॉब हाईलाइट्स में तीन जॉब है हमारे पास, LIC है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बैंक का है। LIC का भी हम लोग जानते हैं कि 590 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का वैकेंसी आया हुआ है, और FSSAI का तो हम लोगों ने डिटेल वीडियो भी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है कैरविंग आउट ए मीनिंगफुल कैरियर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट्स ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्था, इसका तो कुछ वो है, तो ये सब हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, हम लोग यहाँ से मेन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसमें कौन सा रिक्रूटमेंट, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है SRD और PWD कैंडिडेट्स के लिए। कौन सा पोस्ट है, तो जूनियर क्लर्क का पोस्ट है, रिजर्वेशन भी इसमें अप्लाई होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एडुकेशनल ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, हैविंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट आपका जो है सो की स्पीड होना चाहिए, और डिजायरेबल क्या है कि 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। नेक्स्ट हम लोगों का नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नोटिस में कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ये नेम ऑफ पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव कम अकाउंट्स ऑफिसर, नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसमें 1 है, पेमेंट भी दिया हुआ है इसमें, जो आपका प्री रिवाइज होगा 9,300 से लेकर 34,800 तक रहेगा, पेमेंट 2 रहेगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एज लिमिट 35 ईयर्स है, और अलग और भी पोस्ट के लिए है जैसे कि प्रूफ रीडर के लिए भी है, तो उसका भी डिटेल यहाँ पे सारा दिया हुआ है। ठीक है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है उसका भी सारा डिटेल यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रूफ ऑफ रीडर का भी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों क्या है जनरल इन्फॉर्मेशन या कंडीशन की बात करते हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो उसका भी सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्या है EPFO का हम लोग बात, नहीं, ऑफिस ऑफ द सीमेंस प्रोवाइडेड फंड कमिश्नर आयुक्त नाविक भविष्य निधि कार्यालय मुंबई। ठीक है, इसकी हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला एडवर्टाइजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी फॉर प्यून। ठीक है, ये प्यून के लिए एक वैकेंसी निकला हुआ, उसका सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, चेकलिस्ट क्या, आपका डॉक्यूमेंट जो आप भेजिएगा क्या क्या अटैच करके आपको भेजना है, लास्ट डेट जो है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब ये एडवर्टाइजमेंट आया उसके 30 डेज के अंदर ये इसका लास्ट डेट होगा। नेक्स्ट हम लोग का बालमर लावरीज एंड कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। ठीक है, इसमें क्या हम लोगों का अलग अलग पोजीशन के लिए देख सकते हैं, अलग अलग वैकेंसी है। जैसे फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट टू बी डेप्यूटेड एज प्रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ PTBLI। ठीक है, उसका पूरा ग्रेड दिया हुआ है, पे स्केल क्या होगा, नंबर ऑफ पोस्ट क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम एज क्या होगा, मिनिमम पोस्ट मतलब कि मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मिनिमम कितना एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है, उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से हर एक पोस्ट का सारा डिटेल दिया हुआ आप देख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उसी तरह चीफ मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर B2C सपोर्ट फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यहाँ पे भी जो है सो कि एक आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, इसमें फेलोशिप आपको 25,000 प्लस HRA आपको मिलेगा, ये उसका डिटेल रहा, और आपको कोई डाउट है तो इसी मेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। ठीक है, ये हम लोग का कहाँ पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, ये हम लोग का न्यू दिल्ली में है। तो इंडिकेटिव वैकेंसी नोटिफिकेशन, कौन सा पोस्ट है, पोस्ट कोड क्या है, TA Tech 1 LA 1 है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट है, लाइफ साइंस के लिए टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, नंबर ऑफ पोस्ट, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, पे प्लस अदर अलावेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है सारा डिटेल यहाँ पे इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों का है इसरो का है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन इसरो का है, रिक्रूटमेंट ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसरो में क्या हम लोगों का लाइब्रेरी असिस्टेंट है, कितना वैकेंसी है, 2 है, रिजर्वेशन डिटेल भी दिया हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, फिजिकल रिक्वायरमेंट भी दिया है, मोड ऑफ सिलेक्शन भी दिया हुआ है, नेचर ऑफ जॉब भी दिया हुआ है, ये सारा डिटेल हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। एब्रिब्रिएशन यूज, ठीक है, ये वो तो ठीक है, एज लिमिट भी दिया हुआ है, क्या आपका एज लिमिट रहेगा, 35 ईयर जो है सो कि 1 अप्रैल 2019 तक, और OBC कैंडिडेट है तो आपके लिए 38 ईयर्स, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, सारा डिटेल दिया हुआ है, लास्ट डेट भी दिया हुआ है, बिटवीन 12 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक आप जो है सो कि वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।
उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सारा एप्लीकेशन फीस आपको क्या लगेगा, एप्लीकेशन फी यहाँ पे 100 रुपीज़, देर विल बी एन एप्लीकेशन ऑफ 100, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का भी दिया हुआ है यहाँ पे, अदर कंडीशन रिक्वायरमेंट सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन MHRD की तरफ से, यहाँ पे एक नोटिस है, ठीक है। पोस्ट ऑफ डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया न्यू दिल्ली, ये डायरेक्टर का पोस्ट के लिए वैकेंसी है, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, इसमें भी हम लोगों का कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ये एक्चुअली में अर्लियर जो था उसी के बारे में कुछ करेक्शन किया गया, द करेक्शन इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ, मतलब पहले एडवर्टाइजमेंट होगा किसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, उसे करेक्शन किया गया। नेक्स्ट हम लोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एडुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या है हार्ड कॉपी, और इसमें हम लोग का एक्चुअली एक एप्लीकेशन निकाला गया, तो कौन सा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन ये भी देख लेते हैं हम लोग। नेम ऑफ द पोस्ट क्या, हम लोगों का नर्स ए, ठीक है, इसका सारा डिटेल दिया हुआ है, क्या पे रहेगा, क्या एज रहेगा, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर नेक्स्ट हम लोग का पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट का भी सारा डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, उसका भी सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम लोग का साइंटिफिक असिस्टेंट बी, इसका भी ये फिजियोथेरेपी में, वो रेडियोथेरेपी में था। इधर हम लोगों का मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन था, इसका भी सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी उसी का है पूरा डिटेल यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपका, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन लोको नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा फॉर द ईयर 18-19, ठीक है। कल्चरल कोटा के अगेंस्ट जो है चितरंजन में निकाला गया है, कल्चरल कोटा के अकॉर्डिंग कल्चरल डिसिप्लिन फोक डांसर के लिए एक पोस्ट है, मेल या फीमेल कोई भी इसमें जा सकता है, इसका सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी उसी का सारा डिटेल है, ठीक है। एप्लीकेशन फी का भी यहाँ डिटेल दिया हुआ है, क्या आपको एप्लीकेशन फीस लगेगा, ये इसका सारा डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों का है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार दक्षिण बिहार केंद्रीय क्या, बहुत सारे पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी निकला हुआ है, सबका मतलब कि वो डिटेल भी दिया हुआ है, कितना पोस्ट है, क्या क्या इसमें रिमार्क है, कितना पोस्ट मतलब कि रिजर्व के लिए है, कितना अनरिजर्व है, कितना ओबीसी, कितना SC ST के लिए है। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, रजिस्ट्रार की पोस्ट है, लेवल 14 का मतलब सातवां वेतनमान के अकॉर्डिंग आपका लेवल 14 होगा पे मैट्रिक्स, ठीक है। और कितना पोस्ट है, तो एक पोस्ट है, जाहिर सी बात है रजिस्ट्रार तो एक ही होगा ना इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो इसका मतलब लगभग 50 तरह के पोस्ट है यहाँ पे, जो सारा डिटेल दिया हुआ है, मतलब पोस्ट कोड जो है सो कि टोटल वैकेंसी कितना है, 9 तरह का वैकेंसी है, सबका यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से पद पे कितने कितने वैकेंसीज है। नेक्स्ट हम लोग का ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है, पोस्ट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर, ये इसका यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है चितरंजन लोकोमोटिव का एप्लीकेशन परफॉर्मा है, ठीक है, इसी पे आपको डालना है। नेक्स्ट हम लोग का सोलर एनर्जी है, ये तो एक कोर्स था, मतलब जो पिछला 3-4 बार से एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ रहा है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ सोलर एनर्जी, इसका फीस जो है 6,500 प्लस मतलब कि GST है, मतलब आपका अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है उसके रिगार्डिंग भी है ये, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस ऑफ सोलर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है महानंदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसका इसमें भी जो है सो कि अलग अलग पोस्ट का वैकेंसी है, जैसे फर्स्ट हम लोग देखे रजिस्ट्रार है, फिर उसी तरह से टोटल 10 तरह का पोस्ट है, अपर डिवीजन कलर का भी है, तो उसका सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों का। नेक्स्ट हम लोग का NSIC टेक्निकल सर्विस सेंटर, ठीक है, इसमें कोई कोर्स है, कोर्स का टाइटल यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग तरह का कोर्स है, जैसे टूल मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। उसका कोर्स का फीस क्या है 6 महीना का, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो यदि अगर आप मतलब कि फाइनल ईयर में है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, ये मतलब जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स ऑन इंजीनियर फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स NSIC की तरफ से लाया गया है, टेक्निकल सर्विसेज सेंटर। नेक्स्ट हम लोग का है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, इसमें कौन सा पोस्ट है, प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर या सीनियर लेवल, ठीक है। कितना पोस्ट है, तो 6 पोस्ट है, एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो 30 ईयर्स जो है जो कि एज रखा गया, क्वालिफिकेशन आपका BSc होना चाहिए, एक्सपीरियंस के बाद का बात करते हैं तो 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना, मतलब BSc होना चाहिए या तो 3 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस का डिटेल तो यहाँ पर वैसा दिया नहीं गया है। और अप्रोक्सीमेट मंथली सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो 35,000 से लेकर के आपको जो है सो कि 45,000 तक का आपका सैलरी मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम लोग का क्या है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली हिमाचल प्रदेश HP का है, एवरेज एडवर्टाइजमेंट नोटिस, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा पोस्ट के लिए है, वेटनरी ऑफिसर का है, इसमें आपका जो वो होगा पे बैंड 3 होगा, सैलरी कितना होगा 15,600 से लेकर के 39,100 तक होगा, प्लस ग्रेड पे आपका 5,400 होगा प्री रिवाइज, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप जा करके अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है।
और इसका जो लास्ट डेट के बाद रखा गया है तो 45 डेज, एडवर्टाइजमेंट जब भी पब्लिश किया उसके 45 डेज के अंदर आपको अप्लाई कर देना। ये तो चितरंजन लोकोमोटिव का ही एप्लीकेशन परफॉर्म है, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का रूरल एजुकेशनल काउंसिल, इसमें हम लोग बात करें तो हेड मिस्ट्रेस एनी सब्जेक्ट में होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड या एमएड होना चाहिए, स्कूलिंग फ्रॉम सीबीएसई या आईसीएसई से होना चाहिए आपके पास। अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 ईयर्स इन इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कौन सा पोस्ट है तो टीचर्स की भी पोस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए है, मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, मैथ साइंस या स्कूलिंग आपका कहाँ से, सीबीएसई या आईसीसी होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लिश मीडियम विल बी प्रेफर्ड, यदि आपको इंग्लिश मीडियम का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है इधर, छावनी परिषद देहरादून, कैंटोनमेंट बोर्ड देहरादून, यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है, स्टेनोग्राफर है, जूनियर इंजीनियर है, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, सब ओवरसियर है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी क्या रिक्वायर्ड है पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। पे स्केल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से पोस्ट का क्या क्या पे स्केल होगा, एज लिमिट भी दिया हुआ है, मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसे आपको अप्लाई करना उसका भी डिटेल यहाँ पे सारा दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, इसमें कौन सा पोजीशन है, इंजीनियर है सिविल के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में है, अपर डिवीजन कलर का है, नंबर ऑफ पोस्ट सब में एक एक है, अपर डिवीजन कलर में हम लोग का 4 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करो तो ऑब्वियस बात है बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग के साथ आपका होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। और अपर डिवीजन कलर की बात करते हैं तो बैचलर्स डिग्री इन आर्ट साइंस या कॉमर्स और इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री आपके पास बस होना चाहिए। पे मैट्रिक्स आपका इंजीनियर में लेवल 10 रहेगा, टेक्निकल असिस्टेंट में लेवल 5 रहेगा और अपर डिवीजन क्लर्क में आपका लेवल 4 रहेगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन तो 15 अप्रैल 2019, 15 अप्रैल 2019 जो है कि इसका लास्ट डेट रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल का डिटेल दिया हुआ है। नोटिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैट्रॉन, ठीक है, पोस्ट कोड भी दिया हुआ है, नेम ऑफ द पोस्ट, एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो यदि आप इस फॉर्म को भरे होंगे तो आपका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। आपका डेट कब है, 29 मार्च 2019 को Shift 1 है और 29 मार्च को Shift 2 में भी एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेम लोगों का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ पे कौन सा पोस्ट है तो फाइनेंशियल एडवाइजर है, ये डायरेक्ट या डेपुटेशन है, डेपुटेशन फेलिंग विच बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। इधर डेपुटेशन फेल होता है तब उस केस में जो है सो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 1 है। रिजर्वेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर रोस्टर अनरिजर्व के लिए है। स्केल ऑफ पे या पे इन पे मैट्रिक्स 7 CPC रहेगा, लेवल 11 रहेगा, 67,700 से लेकर 208,700 ये रहेगा आपका वो पे स्केल। लास्ट डेट ऑफ रिसीव की बात करें तो 15 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, एम्प्लॉयमेंट में जब भी नोटिस आया उसके 15 दिन के अंदर आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हम लोग का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एडमिशन फॉर 2019, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc बेंगलोर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन नोटिस है। तो आपको जो है सो कि यदि आप अप्लाई करने वाले हैं तो आप देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी का भी डिटेल दिया हुआ है, सिलेक्शन का भी डिटेल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट डेट जो है सो कि इसमें 30 अप्रैल रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग का यूनियन बैंक भी है जो कि हमारे जॉब हाईलाइट्स में भी था। यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 19-20 स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, कौन कौन सा पोस्ट के लिए है तो फायर ऑफिसर है, इकोनॉमिस्ट है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, इंटीग्रेटेड ट्रेजरारी ऑफिसर है, क्रेडिट ऑफिसर है, फॉरेक्स ऑफिसर है, सबका डिटेल यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। क्या ग्रेड होगा, क्या बेसिक पे स्केल होगा, क्या एज होगा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 29 मार्च रखा गया लास्ट डेट। नेक्स्ट हम लोग का एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC, ठीक है, इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, स्टेनोग्राफर है, अपर डिवीजन क्लर्क है, ठीक है, इसका भी डिटेल यहाँ पे सारा दिया हुआ है हम लोगों का, ठीक है। क्या मतलब डिटेल्स ऑफ पीडब्ल्यू कैटेगरी का डिटेल दिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग का मैकॉन लिमिटेड, ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द रेगुलर पे स्केल, तो 20 फरवरी 2019, ठीक है, मैकॉन, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इंजीनियरिंग विद MBA स्पेशलाइज फाइन आर्ट्स और इक्विवेलेंट 2 ईयर्स डिप्लोमा, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, डिग्री इन इंजीनियरिंग विद MBA होना चाहिए, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस का डिटेल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का इसी में है जियोलॉजी माइनिंग एंड मिनरल बेनिफिकेशन, उसका भी कौन कौन सा पोस्ट है, क्या उसका मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायर्ड है, क्या एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया, सबका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट हम लोग देखते हैं सीनियर लीगल ऑफिसर है, उसी तरह से बहुत सारा पोस्ट है। हम लोग का AGM भी है, ठीक है, उसका
एक्सपीरियंस का डिटेल भी दिया हुआ है, क्या आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए या आपका क्या कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। पे स्केल भी सबका यहाँ पे दिया हुआ है, किस 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 के लिए क्या क्या पे स्केल होगा, ठीक है। लास्ट डेट आपका जो है सो कि 25 मार्च रखा गया है, मंडे को। प्रोसीड्यूर ऑफ एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें कौन कौन सा पोस्ट के लिए है, पावर डिवीजन क्लर्क है, उसका सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा और जो भी डिटेल है। नेक्स्ट हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन कोरिएंडम, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, कौन सा पोस्ट के लिए है, लास्ट डेट तो दिया हुआ है, ठीक है, एक्सटेंड किया गया 31 मार्च को, ठीक है। इन रेफरल पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज इतना सीखे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टू बी फिल्ड ऑन डेपुटेशन बेसिस, कोई डेपुटेशन बेसिस पे कोई पोस्ट है। एम्प्लॉय स्टेट का देख लिया हम लोग, ये उसी का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट डेट जो है कि क्लोजिंग डेट 15 अप्रैल रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसमें कौन सा पोस्ट के लिए, तो पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। अकाउंटेंट पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है हम लोगों का, लोकेशन ऑफ द पोस्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन अकाउंटेंट के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, एलिबिलिटी अकाउंटेंट, सारा डिटेल यहाँ पे हम लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची झारखंड, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है, कौन सा पोस्ट के लिए है, नेम ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट है, नेम ऑफ द पोजिशन यंग प्रोफेशनल, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन क्या क्या है, BBSc एंड MBSc वेटनरी वगैरह का मास्टर डिग्री, सारा का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। एक यहाँ पे देख सकते हैं मेगा सील प्रोजेक्ट ऑन पिग, ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन पिग फार्मिंग मैनेजमेंट विल बी प्रेफर्ड, ₹15,000 पर मंथ, तो इसका यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। लास्ट हम लोगों का कौन सा है, नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक, नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट हम लोगों का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, यहाँ पे भी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जी देख सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसी तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। सब में देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितना कितना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के टोटल 8 पोस्ट है, तो क्या आपका पे लेवल रहेगा उसका भी दिया हुआ, क्या आपका पे मैट्रिक्स रहेगा उसका भी दिया हुआ, रिजर्वेशन का भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग, ये कौन सा है, नेशनल गैलरी आर्ट तो देख चुके, ये उसी का एप्लीकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग का कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI कॉरपोरेशन, यहाँ पे कौन सा पोस्ट है, स्टेनोग्राफर है, अपर डिवीजन क्लर्क है, उसका सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का FSSAI फूड सेफ्टी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारे जॉब हाईलाइट में भी था, 270+ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सा पोस्ट है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर है, पे लेवल क्या रहेगा इसका 10 रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है 5 है, इसी तरह से देख सकते हैं हम लोग अलग अलग पोस्ट का क्या पे लेवल रहेगा, क्या नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल हम लोग बात करें तो टोटल 275 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है क्या है, इंट्रेंस 2019 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फरस्तगंज, ये कोई जगह का नाम है, फरस्तगंज एयरफील्ड डिस्ट्रिक्ट अमेठी उत्तर प्रदेश, ठीक है। एंड ऑटोनोमस बने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये एक्चुअली में उड़ान वगैरह कोई डिपार्टमेंट है, एविएशन वाला डिपार्टमेंट है। यहाँ पे क्या है हम लोगों का, क्या कौन से है, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर AB-INITO फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ये कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल। नेक्स्ट हम लोगों का है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान, इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल ये दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या है, इम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC स्टेनोग्राफर अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। तो इसका हम लोगों का यहाँ पे कौन सा पोस्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन किस लिए मांगा गया है, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड अपर डिवीजन क्लर्क ऑन रेगुलर बेसिस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। गवर्नमेंट बोर्ड ऑफिस लांडोर मौसूर, इसका भी ये कौन सा है, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफिस लांडोर, ठीक है। इसमें हम लोग कौन सा पोस्ट के लिए है, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, टैक्स कलेक्टर है, जूनियर असिस्टेंट है, इसका सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या पे बैंड होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या एज लिमिट होगा, कौन कौन सी कैटेगरी में कितना सीट है, और इसका सिलेबस भी दिया हुआ है, सिलेबस फॉर द सैनिटरी इंस्पेक्टर, सिलेबस फॉर द जूनियर असिस्टेंट, सबका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का इंडियन नेवी की तरफ से है, इसमें एंट्री जो है ऑब्जर्वर है, पायलट है, लॉजिस्टिक है, एडुकेशन है, एज लिमिट भी दिया हुआ है, क्या आपका एज लिमिट रहना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज भी दिया हुआ है, टाइप ऑफ कमीशन क्या रहेगा, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, और कौन कौन से में कितना वैकेंसी है उसका भी डिटेल इधर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा स्क्रीन में कट गया है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
ये आपको इसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें भी एक हम लोगों का पोस्ट है, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन से पोस्ट के लिए है। इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट इन वेरियस पोस्ट, ठीक है। तो ये छोटा सा एक है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका ऑफिशियल, ये आप मतलब वो मैं डाल दूंगा, इधर आपको देखना होगा तो ई पेपर में आप देख लीजिएगा डिटेल, इसका ऑफिशियल मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग इंडियन नेवी का सारा डिटेल दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करना है और क्या इसका लास्ट डेट रहेगा, 16 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल इसका लास्ट डेट होगा हम लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स डबल AO, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है, इधर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। AO की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, 590 है, ठीक है। जर्नलिस्ट है, फिर एक्वाटेरियल है, राजभाषा है, अलग अलग पोस्ट का डिटेल यहाँ पे सारा दिया हुआ है, ठीक है। लोकोमोटिव डिजेबिलिटी, ठीक है, स्कीम ऑफ इवेंट, सारा डिटेल यहाँ पे, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये तो LIC का ही है, AA का। नेक्स्ट हम लोग का एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC का है, रिक्रूटमेंट फॉर स्टेनोग्राफर एंड अपर डिवीजन क्लर्क ऑफ गुजरात रीजन ESI कॉर्पोरेशन, कौन कौन सा पोस्ट है, स्टेनोग्राफर अपर डिवीजन क्लर्क, इसका सारा डिटेल यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नाइलेट की तरफ से है, ठीक है। इसमें कौन सा पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इसका सारा डिटेल दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट, पे स्ट्रक्चर, एज लिमिट, मेथड रिक्रूटमेंट, लास्ट डेट अप्लाई करने का। नेक्स्ट हम लोगों का इधर, ये तो नाइलेट वाला ही है, नाइलेट का वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों का है संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, रिक्रूटमेंट नोटिस है, कौन कौन सा पोस्ट है, तो रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इसका सारा डिटेल दिया हुआ है हम लोगों का, कौन कौन सा पोस्ट का क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट हम लोग का मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता, ठीक है। इसमें क्या है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोजिशन ऑफ मौलाना आजाद फेलो, ठीक है, 3 फेलोशिप्स, तो उसका डिटेल यहाँ पे सारा दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वैकेंसी सर्कुलर है, कौन सा है पोस्ट, कौन सा पोस्ट के लिए है, तो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट LIA के लिए है, ठीक है। अच्छा, लास्ट डेट की बात करें तो 45 डेज एडवर्टाइजमेंट के। नेक्स्ट हम लोग का FCI अरावल जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, कौन सा पोस्ट के लिए है, तो कंसल्टेंट है, फिर कंसल्टेंट जियोलॉजिस्ट में है, कंसल्टेंट रेवेन्यू मैटर्स में है, कंसल्टेंट SSP प्रोजेक्ट में है, असिस्टेंट मेडिकल में है, इसी तरह से हर एक का अलग अलग डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्या आपका स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सिमिलर टू रेगुलर ग्रेड पे, जो भी रेगुलर ग्रेड पे होता है उसी के साथ सिमिलर आपको मिलेगा पेमेंट। नेक्स्ट हम लोग का है FCI वाले का है, एप्लीकेशन फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, यहाँ पे भी अलग अलग पोस्ट का निकला हुआ वैकेंसी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, ऑटो क्लेव असिस्टेंट है, डार्क रूम असिस्टेंट है, और कारपेंटर कम पेंटर कम वेल्डर का भी पोस्ट है। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है ये भी आप देख सकते हैं, और क्या रहेगा मेथड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट वो भी यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कालावती शरण का भी है, का ही है, नर्सिंग ऑफिसर का भी है, डाइटिशियन का भी है, हीमोडायलिसिस टेक्नीशियन का भी यहाँ पे वो है, मतलब डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, तो साइंटिस्ट ई, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट सी, इसका सारा डिटेल दिया हुआ है, क्या पे स्केल होगा, कितना वैकेंसीज है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा। उसके बाद हम लोग का डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस का भी डिटेल में एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों का। डिप्टी मैनेजर लॉ के लिए क्या आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा और क्या आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट हम लोगों का खान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तरफ से है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से है, यहाँ पे कौन सा है, फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड अटैच ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। तो उसमें जो है सो कि इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, उसका सारा डिटेल हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का है ICMR वेक्टर कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट VCRC, ठीक है। इसमें कौन सा पोस्ट है, तो पर्सनल असिस्टेंट है, असिस्टेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, इस तरह से जो है अलग अलग पोस्ट का अलग अलग वैकेंसी निकला हुआ है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या एज लिमिट रहेगा, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ठीक है, डिप्टी जनरल मैनेजर, ठीक है, डिप्टी जनरल मैनेजर का पोस्ट खाली है, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वो रिक्वायर्ड है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अपर एज लिमिट सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों का है प्रोजेक्शन ऑफ प्लांट
वेरेटरीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, राइट्स अथॉरिटी, ठीक है। इसमें भी जो है सो अलग अलग पोस्ट है, कौन सा फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसका एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, डिजायरेबल क्या है, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये यहाँ पे अगर खत्म हो जाता है, नेक्स्ट हम लोग किसके तरफ से है, नेक्स्ट हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे जो है सो की सर्कुलर है, कौन सा पोस्ट के लिए है, इट इज प्रपोज टू फिल अप द पोस्ट लिस्टेड इन एनेक्सर वन द रीजनल ऑफिस ईस्ट सेंट्रल जोन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड रांची फ्रॉम अमंगस्ट ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयूज, ठीक है। तो यहाँ पे ये उनके लिए कौन कौन सा पोस्ट है, तो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है, सेक्शन ऑफिसर है, प्राइवेट सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेटर है, अपर डिवीजन क्लर्क है। ये उनका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है पूरा डिटेल। इधर हम लोग का एक है प्रोजेक्शन ऑफ प्लांट्स, प्रोजेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट राइट्स अथॉरिटी, इसका एडुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा पोस्ट के लिए इसमें है, इसमें जो हम लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर के पोस्ट पे है, तो उसका सारा डिटेल दिया हुआ है, एडुकेशन क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल एक्सपीरियंस, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर, पोजीशन क्या है, फाइनेंस ऑफिसर है, क्या उसका पे स्केल होगा, क्या एज होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस होगा, सारे डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का सैनिक स्कूल कालीकिरी चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, स्टाफ रिक्वायर्ड कौन कौन सा है, तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए, लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी दिया हुआ है, कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, क्या एज लिमिट होगा, क्या पे स्केल होगा, वो भी यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ये कंटिन्यू फ्रॉम पेज 32 पिछले वाले पेज के कंटिन्यू यहाँ पे किया गया है। राइट्स लिमिटेड, राइट्स में हम लोगों का एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम डायनेमिक सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल फॉर फॉलोइंग पोस्ट, तो जैसे कि इसमें अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी निकला हुआ है, मैकेनिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कौन कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है उसका भी दिया हुआ है। और नेक्स्ट हम लोग का राइट्स की तरफ से है, तो इसमें हम लोगों का सारा डिटेल दिया हुआ है, कौन कौन से मैकेनिकल सिविल है, इन लोगों का बाद में बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए है, एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन फॉर द एम्प्लॉयमेंट हायरिंग ऑफ सर्विसेज इन एक्सपर्ट इन द ऑफिस एप्लीकेशन, ठीक है। लॉ ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटर है, रीजनल कोऑर्डिनेटर है, सबका डिटेल यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मैंने डिटेल वीडियो भी बना दिया है, आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसमें भी हम लोग का कौन कौन सा पोस्ट है, तो डिप्टी डायरेक्टर है, इसी तरह से डिप्टी डायरेक्टर का जो भी रिक्वायरमेंट है सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। करियर अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट हम लोग का इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर भी दिया हुआ है, कौन सा पोस्ट है, तो इंजीनियर सिविल, इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग का एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेनोग्राफर है, अपर डिवीजन क्लर्क है, उसका डिटेल यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है। ये तो पिछले का आर्टिकल कंटिन्यू किया गया है और ये इनका पब्लिकेशन है और जो भी यहाँ पे डिटेल लास्ट में दिया हुआ है। ये रहा हमारा मार्च का 4th वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज, तो आपके सामने जो इसमें से कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सा अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में डिटेल में जरूर बताइएगा। और किसी भी फॉर्म को आपको भरने में किसी तरह कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और किसी फॉर्म को लगता है कि डिटेल स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करना उसका वीडियो का रिक्वायरमेंट होगा तो कमेंट करें, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और इस तरह के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।